लिख लो दिमाग में, डायरी में। आप दुख चिंता शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। एक उपासक और एक गृहस्थ जीवन जीने वाले हर व्यक्ति को श्री गुरु जी की ये बात जरूर सुननी चाहिए। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने ऐसी 12 बातों को समझाया है जिनको अगर आप अपने जीवन में नहीं निभा रहे हैं तो आपका हर सही कर्म भी अधूरा ही माना जाएगा। कौन सी हैं ये 12 बातें, चलिए जानते हैं श्री गुरु जी के मुखारविंद से इस प्रवचन में। राधे राधे। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए, और जो संसार के मार्ग में चल रहे अगर इन दोषों में चलेंगे तो वो जो आपके पुण्य कर्मों से ईश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख चिंता शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी, आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी, अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और ये दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना, लोलुपता ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी, भले दीपक की तरह जलो बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा छल कपट व्यभिचार चोरी, ऐसे धन आ जाए वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर दे, सावधान। यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचा अपमानम सुधा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है, अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत, ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित जैसा
कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको, आनंदित रहो। पैसा खर्चा सब, पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है, नहीं जलोगे। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई हाँक कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाए, उसकी रक्षा करेंगे। जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही है, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करे। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना। अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रख। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में है जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। विषमता रखने वाला, सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता ना फैलाते रहे अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता, सबको प्यार, हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीतियुक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तर है। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकार। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। अत्यंत मानी होना, जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है, सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था उतना दे दिया, क्यों दे दिया ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया? तो दिया, इसके बाद जो आपका ये जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। अत्यंत कृपण होना, ना परिवार को सुखी कर पा रहा है, ना अपने को सुखी कर पा रहा है, एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो, कोई साधु महात्मा, गाय पशु पक्षी,
किसी भी जीव बीमार है शरीरधारी उसके, जिससे कुछ कभी लेने की भावना न हो, एहसान की भावना न हो, शो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन, अब कृपण का धन किसी काम में ना स्वसुख ना परिवार के सुख ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया, उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे जो कृपण कृपणता है और अर्थ और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया और भोग उसी की चर्चा कर, जहां बैठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा, जहां एकांत में बैठे उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले, और अगर अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए, माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला है, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है, आकर अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसादि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है कि आप अपवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे स्त्री, बालक और पागल, जैसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, ना इस लोक में आपको शांति मिलेगी ना परलोक में। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं, अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप प्रवचन की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर इसका सकारात्मक लाभ उठाएंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।